हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिदी। एंड आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं, अगर आप लोग BHU MA हिस्ट्री ऑफ आर्ट के स्टूडेंट हैं और आप लोगों ने MA हिस्ट्री ऑफ आर्ट का एंट्रेंस एग्जाम है आप लोगों का इस मंडे को, तो आज मैं आप लोगों को 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाली हूँ, जिसमें टोटल आपको पूरे 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किस तरीके से आप लोगों से यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आज हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर हो गया? तो चलिए देखते हैं, आज इसी वीडियो में मैं आपको पूरे 120 के 120 क्वेश्चन को कवर अप करवाने वाली हूँ। वीडियो के एंड तक बने रहना, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे भी ऐसी जब भी वीडियोस आती रहे तो उसके लिए आप मेरे चैनल तक अपडेट बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी चैनल पे है तो आपके पास नोटिफाइड हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पूरे 120 क्वेश्चंस के आंसर जानते हैं, साथ ही साथ देखते हैं कि किस तरीके से कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो आप लोगों के 120 मार्क्स का होता है, ठीक है? आपके पास 2 घंटे का टाइमिंग होगा, 360 मार्क्स का आपका ये एग्जाम होने वाला है, और आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो पूरी कोशिश करना क्वेश्चन उन्हीं को अटेम्प्ट करना जिनके बारे में आप जानते होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, हु इशूड द कॉइन डिपिक्टिंग द बुद्धा, बुद्ध के अंकन वाले सिक्के किसने जारी किए थे, हर्ष ने, अशोक ने, कनिष्क ने या फिर धर्मपाल ने? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क ने किया था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे पूछा जा रहा है, फ्रॉम वेयर हैज द फेमस ब्रोंज स्क्रिप्चर ऑफ डांसर हैव बीन फाउंड, जो नर्तकी का कांस्य मूर्ति हमें कहाँ से प्राप्त हुआ था, कालीबंगा, लोथल, हरप्पा या फिर मोहनजोदड़ो? तो आपका राइट आंसर क्या होगा, मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा गया था, हु हैज रिटन अष्ट अध्यायी, तो अष्ट अध्यायी जो है ये बुक किसने लिखी थी, पतंजलि, पांडिनी, कालिदास या फिर शूद्रक ने? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, पांडिनी ने। स्टूडेंट आज मैं एक बार आपको एक बार चीज और आपको मैं बता दूं, आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करो, आपको बुक्स एंड ऑथर से बेस्ड क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। अगर आपने बुक्स एंड ऑथर की तैयारी ना की हो तो आप लोग वहाँ पे अपने मार्क्स, क्योंकि बुक्स एंड ऑथर ऐसा अगर आपने कभी नहीं पढ़ा, याद नहीं करा है, तो हम गेस करके भी नहीं कर सकते। तो बेटर है अगर आपने बुक्स एंड ऑथर की तैयारी अभी भी नहीं की है तो मैंने प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर के चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो बुक्स एंड ऑथर की सारी मैंने वीडियो बना रखी है, ये सारी बातें मैंने वहाँ ऑलरेडी करा रखी है, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री, सारे बुक्स एंड ऑथर आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने वो वीडियो ना देखी, उस वीडियो को जरूर देखना अपने एग्जाम से पहले। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर यहाँ पे पूछा गया, हु इज शोन एज द मोस्ट पॉपुलर गॉड इन द ऋग्वेद, ऋग्वेद में कौन सा देवता सबसे लोकप्रिय देवता के रूप में दिखाई देता है? आपके ऑप्शन है सन, विष्णु, रुद्र या फिर इंद्र? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंद्र जो है सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर गॉड थे ऋग्वेद के समय पर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ। क्वेश्चन नंबर फाइव आपसे पूछा गया है, हु इज एड्रेस्ड एज संघोजात, तो संघोजात के नाम से कौन संबोधित किया जाता है, कुबेर, गंगा, दुर्गा या फिर शिव? तो राइट आंसर क्या होगा, शिव भगवान जी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स में पूछा गया है, विच वन ऑफ द फोर्थ इनकारनेशन ऑफ विष्णु, इनमें से विष्णु का जो चौथा अवतार था वो कौन सा है, मत्स्य, कर्म, नरसिंह या फिर वर्मन? तो ऑप्शन नंबर सिक्स का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, नरसिंह, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेवन में पूछा गया है, वरुण इज अमंग द अष्टदिक्पालो ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन, अष्टदिक्पालो ने वरुण जो है निम्न दशा से संबंध थे, नॉर्थ, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट या फिर ईस्ट? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम से, यानी कि वेस्ट से। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर एट की तरफ। क्वेश्चन नंबर एट में आप सबसे यहाँ पूछा गया था, सोमेश्वर वॉज द ऑथर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट, सोमेश्वर इनमें से किन ग्रंथों में के किसके लेखक थे? तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर एट का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, मानसोलास, ठीक है, मानसोलास जो है वो इस टेस्ट के क्या थे, लेखक थे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नाइन है, हु हैड बिल्ट विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वो किसने बनवाया था, शिवपाल, गोपाल, धर्मपाल या फिर कुमारपाल? तो आपका राइट आंसर क्या है, धर्मपाल ने बनवाया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर टेन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर टेन में क्या पूछा है, फ्रॉम वेयर वी फाइंड द रन ऑफ अ डॉकयार्ड,
हमें हरप्पा से गोदी के अवशेष जो है वो कहाँ पे प्राप्त हुए थे? हरप्पा में, आलमगढ़ में, लोथल में या फिर चेहेनूदोड़ में? तो ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, लोथल में। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया था, द पिक्चर ऑफ पद्मपाणि अवलोकितेश्वर हैज बीन फाउंड फ्रॉम। तो यही जो है आपकी पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का जो चित्र है वो कहाँ से प्राप्त हुआ था? अजंता केव नंबर 1, अजंता केव नंबर 2, अजंता केव नंबर 16 या अजंता केव नंबर 17? तो आपका राइट आंसर होगा अजंता केव नंबर 1 से ये हमें ये प्राप्त हुआ था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया था, मुरुगन इज द नेम ऑफ, मुरुगन जो है वो क्या नाम था, किसका था? सूर्य का, शिव का, ब्रह्म का या फिर कार्तिकेय का? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? कार्तिकेय का था ये नाम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, श्रीलाल जोशी इज फेमस फॉर, जो श्रीलाल जोशी थे वो किस लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं? टेराकोटा यानी मृत मूर्तियों के लिए, बास्केटरी यानी कि बांस शिल्प के लिए, पार्ट पेंटिंग यानी कि जो फर्ट चित्र होते हैं उसके लिए, या फिर बांधनी के लिए? तो 13 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि फर्ट चित्र के लिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया, हु हैड पेंटिंग द बर्थ ऑफ वेन्यू इन अर्ली रेनेसांस पीरियड। प्रारंभिक पुनर्जागरण काल में बर्थ ऑफ वीनस चित्र किसने बनाया था? आपके ऑप्शन है टिटिशियन ने, विंची ने, डिचियो ने या फिर बॉटिसेली ने? तो 14 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, हु हैड मेड द आइकन ऑफ एथेन फॉर पार्थिनन, जो पार्थेन के लिए एथीना की प्रतिमा जो है वो किसने बनाई थी? तो वो बनाई थी आप लोगों की फिडास ने। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को यहाँ पे करेक्ट होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। हु वॉज द ईस्ट एम्परर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, मौर्य राज्य का जो अंतिम शासक था वो कौन था? उदयन, दशरथ, बृहदस्त्र या फिर बिंदुसार? तो ऑप्शन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है बृहदत्त। ये ऑलरेडी पूछा गया है मैक्सिमम। अगर आप किसी भी, अगर आप BHU में एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग क्या करो, BHU के जो एमएसट्री वाले जो एग्जाम है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, जो BHU के मैंने आज ही कराए थे, तो AIHC वाले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी करो, क्योंकि ये सब सेम है, यही आप लोगों के इधर तो सब ये सारे क्वेश्चन वहाँ पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप ये नहीं कि सब, अगर आप सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करो तो हिस्ट्री की तैयारी, तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप सारे जितने प्रीवियस ईयर हर एक सबसे कर लो, क्योंकि सब में सेम ही क्वेश्चन देखने को मिले हैं। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। जो फेमस स्क्रिप्चर है आप दीदारगंज क्रियास्की की डिस्प्ले इन, जो दीदारगंज की प्रसिद्धि यक्षी की मूर्ति जो है वो कहाँ प्रदर्शित है? इंडियन की म्यूजियम कोलकाता में, नेशनल की म्यूजियम न्यू दिल्ली, स्टेट म्यूजियम जो चेन्नई में है, या पटना का म्यूजियम जो कि पटना में है? तो राइट आंसर क्या है? पटना का म्यूजियम जो कि पटना में ही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है, द बुल कैपिटल ऑफ अशोकन पिलर हैव बीन फाउंड फ्रॉम, अशोका के स्तंभ में जो हम लोग वृषक जो शीर्ष निम्न जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है? रामपुरवा, सांची, सारनाथ या फिर सांकिक्षा? तो 18 का राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए, रामपुरवा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया है, नाइक गॉडनेस इज एसोसिएटेड विद, जो नाइके की देवी है वो किससे संबंधित थी? विक्ट्री से, विजय से, वॉर यानी युद्ध से, लव यानी प्रेम से, हैंटिंग यानी कि आखिर से? तो 19 का राइट आंसर क्या है? विक्ट्री यानी कि विजय से वो संबंधित थी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया, इनमें से कौन सी ऐसी बुक है, टेस्ट है, जो कालिदास ने नहीं लिखी है? तो अगर आपने कालिदास की बुक्स एंड ऑथर पता होंगे तभी आप इन क्वेश्चन को कर पाएंगे, इसीलिए एग्जाम करने से पहले बुक्स एंड ऑथर जरूर करके जाना। आपके ऑप्शन थे मेघदूत, मुद्रा राक्षस या फिर ऋतुसंबर या फिर रघुवंशम? तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा राक्षस। ठीक है, जो कालिदास ने नहीं लिखी है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है, विच वन इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट डायनेस्टी। तो आपको यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दिया है, सुंग डायनेस्टी, मौर्यन डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी एंड देन कुशाणन डायनेस्टी। आपको इसको सीक्वेंस में लगाना कि पहले कौन सी डायनेस्टी आती है, बाद में कौन सी आती है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ नीचे ऑप्शन दे रखा है, तो 21 का राइट आंसर जो होता है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों? क्योंकि पहले आई थी मौर्यन डायनेस्टी। ठीक है, याद रखना, पहले कौन सी? मौर्यन डायनेस्टी आई थी, फिर आपकी आई थी सुंग डायनेस्टी, फिर उसके बाद में आई थी आप लोगों की कुशानन की डायनेस्टी, देन लास्ट में आपकी आई थी गुप्ता डायनेस्टी। तो इसीलिए आपका सीक्वेंस यहाँ पे 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ेंगे
22 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा गया है सिगेरिया इज फेमस फॉर, जो सिगेरिया थी वो किस लिए प्रसिद्ध थी। आपके ऑप्शंस यहाँ दे रखे थे पेंटिंग के लिए, स्क्रिप्चर्स के लिए, आर्किटेक्चर या फिर मेटल के स्क्रिप्चर के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वो पेंटिंग यानी कि चित्र के लिए वो फेमस थी यानी कि प्रसिद्ध थी। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। 23 में पूछा गया है विच वन इज ऑल्सो नोन एज अप्रभस शैली स्टाइल, तो कौन सी शैली अप्रभस शैली के नाम से भी जानी जाती है। वेस्टर्न इंडियन स्टाइल, पालसेन स्टाइल, मेवा स्टाइल या फिर मालवा स्टाइल। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है वेस्टर्न इंडियन स्टाइल, पश्चिमी भारतीय जो शैली है वो। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा गया, 24 में आपसे पूछा गया स्फिनिक्स इज अ फेमस स्क्रिप्चर ऑफ, जो स्क्रिप्चर्स है वो कहाँ की प्रसिद्ध शिल्प है, ग्रीस, रोम, बेबीलोन या फिर इजिप्ट। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है इजिप्ट में, मिस्र में का ये फेमस स्क्रिप्चर यानी कि मूर्ति। तो आपका 24 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है बुलंद दरवाजा इज लोकेटेड, जो बुलंद दरवाजा है वो कहाँ पर स्थित है, आगरा, मैंगोर में, न्यू दिल्ली में या फतेहपुर सिकरी में। तो राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी, फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा क्या है स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन नवग्रह, तो इनमें से नवग्रह जो है इनमें से किसमें सम्मिलित नहीं है, इंद्र, सूर्य, राहु या फिर बुध। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, इंद्र। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया टेराकोटा प्लो हैज बीन फाउंड एट विच ऑफ दीज साइट, पक्की मीठे जो मिट्टी का जो हल है इनमें से किस पूरा स्थल से हमें प्राप्त हुए थे, बनावली, लोथल, हरप्पा या फिर कालीबंगा। तो ये हमें मिला था बनावली, आपका राइट आंसर होता है फिर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया था दुल्हादेव और आप लोगों का दुल्हादेव ये जो मंदिर है ये कहाँ पर है, कुजहारो में, तंजोर में, ओडिशा में या फिर बेलोर में। तो 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है खजुराहो में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आपको इसमें से फाइंड आउट द ऑड वन, जो एक सबसे अलग है हटके ऑप्शन है उसको बाहर करना है आपको, हड्डा, बामियान, तक्षशिला या फिर लाहौर। तो सबसे अलग जो हटके होगा वो आपका होगा लाहौर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है ऑड वन आउट। ये बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की। 30 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट द नेम ऑफ लेडी फरहाओ ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, प्राचीन मिस्र की जो स्त्री थी फरहो उसका क्या नाम था। तो आपके ऑप्शन है हस्तक्षेप सुत, इस्तर, तुतनर वामन या फिर नू। तो आपका राइट आंसर यहाँ था ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है मंसूर वॉज वेरी फेमस आर्टिस्ट फॉर द पेंटिंग ऑफ, जो मंसूर थे वो किन चित्रों के लिए जाना जाता था, एनिमल्स के लिए, पोइट्रेट यानी सभ्या के लिए, नेचर यानी प्राकृतिक, कोर्ट यानी दरबार के लिए। तो वो जाने जाते थे एनिमल यानी कि पशु के लिए, चित्रों के लिए वो फेमस थे, वो पशुओं की पेंटिंग करते थे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे पूछा गया था स्कूल ऑफ एथेंस इज अ फेमस पेंटिंग ऑफ, स्कूल ऑफ एथेंस जो है वो किस चित्रकार का प्रसिद्ध चित्र है, रूबेनेस या फिर माइकलोनाजो, वर्मियर या फिर रफायल। तो आपका राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया था द सन टेम्पल एट मदोरी वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, जो मदोरे स्थित में सूरज का मंदिर बना था वो कौन से किसके समय पर बना था। आपके ऑप्शन है कुमारपाल के, भीमदेव द्वितीय के, जय सिंह के या फिर भीमदेव प्रथम के। तो ये बना था भीमदेव प्रथम के टाइम पर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे यहाँ पूछा गया था वेयर इज द फेमस बिग टेम्पल ऑफ द गुप्ता पीरियड लोकेटेड, तो गुप्तकालीन प्रसिद्ध इष्टिका मंदिर जो है वो कहाँ स्थित था, भीतरगांव, पटना, देवगढ़ और कौशाम्बी। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए होगा, भीतरगांव। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है द फेमस सीन ऑफ गंगावतरण इज डिपेक्टेड इन द आर्ट ऑफ, जो गंगावतरण का प्रसिद्ध दृश्य की कला जो है वो कहाँ से उत्तीर्ण है, कोकाण से, महोबा में, हलेबिड में या महाबलीपुरम में। तो 35 का राइट आंसर आपका होता है महाबलीपुरम यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। मैं आपको बोलूँगी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, अपने अपने और भी स्टूडेंट, अपने फ्रेंड्स की मदद करो ताकि अगर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो करना चाहते तो अब एग्जाम के टाइम वो कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा इस पर अगर व्यूज़ होंगे, लाइक्स होंगी तो मैं जल्दी से जल्दी आपको और भी ये वीडियोज़ लेकर के आऊँगी, ठीक है। अगर ये वीडियोज़ ही अगर मुश्किल से 100 भी स्टूडेंट नहीं देखते हैं तो फिर इन वीडियो लाने का कोई भी मतलब नहीं बनता। तो बेटर है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करो इस वीडियो को ताकि हाँ हम इस पर ज़्यादा से ज़्यादा और भी इस पर वीडियोज़ ला पाऊँ। तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, ये आपकी
आप लोगों ने बोला था, इसलिए मैं इमरजेंसी अर्जेंट में ही वीडियो लेकर के आई, क्योंकि आप लोगों की इसकी नीड थी। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट अगर ये प्रीवियस ईयर की तैयारी कर रहे होंगे तो ही मैं आगे ऐसी वीडियोज़ लेकर के आऊँगी। ओके, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की। वेयर इज़ द टॉम्ब ऑफ अर्जुन नबंद मानो बेगम? तो अर्जुन मंद बानो बेगम का जो मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद, बीजापुर, गोलकुंडा या फिर आगरा में? तो ये देखा जाए कहाँ पर, आगरा में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 है, विद हुम उतारी कोना और नॉर्थ डिसीजन डायरेक्शन इज एसोसिएटेड? उत्तरी कोण अथवा उत्तरी दिशा किससे संबंध है? वरुण, ब्रह्मा, अग्नि या फिर कुबेर से? तो इसका राइट आंसर होता है आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी, कुबेर से। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 है, हरम किस देवता का नाम है? हरम इज द नेम ऑफ विच गॉड? कार्तिकेय, गणेश, विष्णु या फिर शिव? तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर है गणेश का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 है, 64 योगिनी जो टेम्पल है वो इनमें से कहाँ पे प्राप्त नहीं हुआ है? मुंडेरा में, हीरापुर में, जबलपुर में या फिर खजुराहो में? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होता है करेक्ट, जहाँ पे ये फाउंड आज भी ये स्थित नहीं है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। आपसे लांड खान मंदिर पूछा गया है कहाँ पर स्थित है? अहोल में, आगरा, हैदराबाद या फिर मैसूर में? तो 40 का राइट आंसर होता है आपको ऑप्शन नंबर ए, अहोल में ये कौन सा लाड खान जो मंदिर है वो स्थित है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। 41 है, विच स्टूपा कंटेन द रिलिक्स ऑफ द बुद्धा डिसाइपल सारिपुत्र एंड मंडल गयायाना? तो इनमें से वो कौन सा स्तूप है जिसमें हम बुद्धा के डिसाइपल जो कि शिष्य थे उनके बारे में हमें देखने को मिलता है? बरहूत का जो स्तूप है, सरनाथ का जो स्तूप है, सांची का नंबर जो 3 स्तूप है या बौद्ध गया का? तो वो है आपका सांची नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। 42 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विच फोक आर्ट बिलोंग टू उदयपुर? कौन सी लोक कला उदयपुर से संबंधित है? गरोदा, कांता, मेलोला या फिर वर्ली? तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, मेलोला में। 43 क्वेश्चन में पूछा गया है, फैक्रोस कोरोनल वरहा इमेज ऑफ गुप्ता पीरियड वॉज कैप्टेड? जो गुप्तकालीन प्रसिद्ध में विशाल वरहा प्रतिमा थी उनमें से किस स्थान पर बनाई गई थी? देवगढ़, मथुरा, एरर या फिर सांची में? तो राइट आंसर क्या होगा आपके, एरन में ये बनाई गई थी, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होता है। 44 में आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से कौन सा एक सबसे अलग है, हटकर है? तो 44 का आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है, लकुलिश इज अ रेयर फॉर्म ऑफ विच डाइटी? जो लकुलिश जो है किस देवता का दुर्लभ स्वरूप है? शिव, विष्णु, ब्रह्मा या फिर सूर्य? तो वो है शिव भगवान के, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 46 में आपसे क्या पूछा गया था, विच घाट ऑफ वाराणसी इज फेमस फॉर द फेयर ऑफ नागनेथ्या? तो वाराणसी का वो कौन सा घाट है जो नागनेथ्या मेले के लिए प्रसिद्ध है? अशिष्ट घाट, तुलसी घाट, राजघाट या पंचंग घाट? तो 46 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तुलसी घाट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 47 की तरफ। फ्रॉम वेयर वी फाइंड द जानका पेंटिंग? तो जानका की जो चित्र है, पेंटिंग गए चित्रकला में देखने को मिलती है, कहाँ पे मिली थी? बिहार में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में या फिर सिक्किम में? तो ये हमें मिली थी सिक्किम में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होता है। बढ़ेंगे 48 क्वेश्चन की तरफ। रत्नगिरी जो है ये किसने लिखी थी? तो आपने देखा कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं, 50 क्वेश्चन में से 4 से 5 बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए बोल रही हूँ ये सारे बुक्स एंड ऑथर मैंने करा रखे हैं, अगर अभी तक नहीं करा है तो जल्दी से जाके कर लेना। तो राज तरंगिणी जो है वो किसने लिखी थी? बिलहान, कल्हान, हेमचंद्र या फिर भुवेंद्र? तो 48 का राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी है, कल्हान ने लिखी थी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 है, द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड इज डिपिक्टेड इन द आर्ट ऑफ? पुत्र जन्म का दृश्य कहाँ की कला में प्रदर्शित है? भुवनेश्वर, चिंदवरम, मुडेरा या फिर खजुराहो? तो 49 का राइट आंसर आपका होता है ऑप्शन नंबर सी, मुडेरा में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। एविडेंस ऑफ अर्लीस्ट रॉक कट आर्किटेक्चर वॉज फाउंडेड? जो हमें रॉक कट का एविडेंस है, जो सबूत है, वो कहाँ पे हमें अवशेष देखने को मिलते हैं? अजंता केव, लोमासिसी केव, कैलासना टेम्पल जो इलोरम है या बदामी केव? तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है, लोमास ऋषि केव। नाउ आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 में आपसे यहाँ पे पूछा गया है,
लैंग्वेज ऑफ आ संगम लिटरेचर, वो जो संगम साहित्य की जो भाषा थी वो क्या थी, संस्कृत, पाली, प्राकृत या फिर तमिल? तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी तमिल थी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। 52 में पूछा गया है विच इज नॉट एट्रीब्यूट ऑफ विष्णु, तो इनमें से कौन सा आयुध जो है विष्णु का नहीं था, लोटस, क्लब, व्हील या फिर ट्रीडेंट? 52 का आपका होता है ऑप्शन नंबर डी ट्रीडेंट, यानी कि त्रिशूल, क्योंकि त्रिशूल जो है वो विष्णु भगवान जी नहीं लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 है द आर्ट ऑफ मौर्यन, वो जो मौर्य कला की जो कला थी क्या थी, नरेटिव, सिंबॉलिक, रियलिस्टिक या फिर इरोटिक? तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ये वो एक सिंबॉलिक यानी प्रतीकात्मक थी। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ बढ़ेंगे। जातक स्टोरी जो है वो इमर्ज करी गई थी पहली बार इन हमारे भारत के आर्ट में, तो कहाँ पे, सरनाथ, मथुरा, अमरावती या फिर बरहूत? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी बरहूत में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 55। 55 में आपसे पूछा गया था हु हैज मेड द स्टेटस ऑफ डोनियस विद हार्मिस, तो डोनियस विद हार्मिस मूर्ति जो है वो किसने बनाई थी, फिडियाज ने, दानोटेलो ने, पीलिया पॉलीकिलोथोस ने या फिर प्रैक्सीटीज ने? तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होता है। आगे बढ़ेंगे 56 क्वेश्चन नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 में आपसे यहाँ बोला गया था चंडी में देव जो है वो कहाँ पर स्थित है, इंडोनेशिया, नेपाल, श्रीलंका या फिर अफगानिस्तान में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया में ये स्थित है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। 57 आपसे ये पूछा गया जो नालंदा की यूनिवर्सिटी थी उसको किसने नष्ट किया था, किसने डिस्ट्रॉय किया था, औरंगजेब, कुतुबुद्दीन ऐबक, शाहजहां या फिर बख्तियार खिलजी ने? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बख्तियार खिलजी थे जिन्होंने नालंदा की यूनिवर्सिटी को खत्म कर दिया था, नष्ट कर दिया था। 58 क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ेंगे। 58 में आपसे पूछा गया है हु हैड बिल्ड द टेम्पल ऑफ अंगरकोरवाट, तो अंगरकोरवाट का जो मंदिर था वो किसने बनवाया था, सूर्यवर्मन, कनिष्क, समुद्रगुप्त या नरसिंह सिंह ने? तो 58 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूर्यवर्मन ने बनाया था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा गया है बारबोनिया जो बारबीजिया जो आर्ट स्कूल है वो विकास हुआ था कहाँ पर, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड या फिर होलैंड में? तो वो हुआ था आप लोगों के फ्रांस में, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ से पूछ रहा है जो एडवर्ड मैनेट है वो फेमस आर्टिस्ट है, एडवर्ड माने एक प्रसिद्ध असिस्ट आर्टिस्ट थे, वो कहाँ के, दादाबाद के, पोप कला के, प्रभाववाद के या फिर यथानवाद के, रियलिज्म, इम्प्रेशनिज्म, पोप आर्ट या फिर डैडाइज्म? तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि रियलिज्म के हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने अभी तक 60 क्वेश्चन कर लिए तो आपको एक बात समझ में आ गई, अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को आर्किटेक्चर के बारे में सबसे अच्छे से, कोई भी अगर आप टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसका आर्किटेक्चर अच्छे से कर लो, उसकी पेंटिंग के बारे में, उसके टेम्पल्स के बारे में बहुत अच्छे से कर लो। रही बात आपकी मेडिवल हिस्ट्री के टाइम पर, गुप्ता पीरियड, ये सारा इसमें से टेम्पल कौन सी चीज़ कहाँ फेमस थी, कौन सी पेंटिंग किसके लिए फेमस थी, आर्किटेक्चर में ज़्यादा क्वेश्चन अभी अब तक हमने यहाँ देख लिए हैं। तो अगर मैं आपको बोलूँ तो इनसे क्वेश्चन ज़्यादा आते, तो आप उन क्वेश्चनों को अच्छे से कर लेना। देखो अब वापस आपसे एक इंस्क्रिप्शन से क्वेश्चन आया, इंस्क्रिप्शन भी बहुत अच्छे से पढ़ के आना, इसमें से कौन सा है जो अशोका के अभिलेख में से नहीं है, कौन सा एक अशोका का इंस्क्रिप्शन इसमें से नहीं है, खरोस्ती स्क्रिप्ट, ब्राह्मी स्क्रिप्ट, आरामैसिक स्क्रिप्ट या फिर देवनागरी स्क्रिप्ट? तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो देवनागरी है वो अशोका के अभिलेख का सत्य नहीं है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। 62 क्वेश्चन नंबर में पूछ रहा गया मुग्धा इज अ फेमस फॉर्म ऑफ, जो मुग्धा जो है वो किसका प्रसिद्ध स्वरूप है, यक्षिणी का, देवी का, अप्सरा का या नर्तकी का? तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, अप्सरा का। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 63 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 पूछ रहा है विच वन ऑफ दी फॉलोइंग वॉज किल्ड बाय सोल्जर, तो निम्नलिखित में से किसे सैनिकों ने मार डाला था, उसके सैनिकों ने? तो ये है हुविसिक, सिकंदर, कनिष्क या फिर विमा खटबसिस ने? तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क, जो कुशानन डायनेस्टी के जो उसमें सोल्जर थे उनके सैनिक ने उन्हें मार दिया था। आगे बढ़ेंगे 64 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा है हम्पी जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में हम्पी स्थित है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था, सांची, गया, लुम्बिनी या राजगीर? तो उनका जन्म आपको पता है
है लुम्बिनी में हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में आ गया है। ये लगता सबको सिंपल क्वेश्चन है, इजी है, या फिर ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बहुत से लोग मुझे ऐसे कहते, तो देख लो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एंट्री एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 66 की, विच वन वॉज इज नॉट ट्रू अबाउट द टेम्पल ऑफ खाजुरू। तो खाजुरू का जो मंदिर है, इनमें से कौन सी बात इसमें से सच नहीं है, ये पूछा गया है। क्या इस मंदिर को चंडेल्स ने बनाया था, क्या ये सिर्फ शिव मंदिर है, या फिर ये एक ही टेम्पल है जहाँ पे सिर्फ पूजा की जाती थी, या फिर ये एक नागर स्टाइल था। तो 66 का अगर मैं आपको बताऊँ तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन गलत होता है, क्योंकि ये सिर्फ शिव का ही मंदिर नहीं था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा गया, विच म्यूजिक फॉर्म इज नॉट रिलेटेड टू द वाराणसी। कौन सा संगीत वाराणसी से संबंधित नहीं था, तबला, कथक, सहनाई या मृदिक। तो 67 का राइट आंसर आपका होता है ऑप्शन नंबर डी, मृदिक। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट, एक बाहर निकालना है जो आपकी पहचान करना है संगत का। रजन मिश्रा, सितारा देवी, गिरिराज देवी, गिरजा देवी या फिर साजन मिश्रा। तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सितारा देवी। देखो ये चीज तो आपको खुद करनी होगी, एक आध क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही दिखेंगे जिसमें आपको खुद समझना होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 69, भोपा इज एसोसिएटेड भी, जो भोपा है वो किससे संबंधित था, ANR से, बहुला पाट से, गरोदा से या फिर फर्ट से। तो क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ फेमस फ्लूट प्लेयर। निम्न में से कौन प्रसिद्ध बांसुरी वादक है, रविशंकर, हरिप्रसाद चौरसिया, शिव कुमार शर्मा या फिर अमजद अली। तो वो थे आप लोगों के हरिप्रसाद चौरसिया। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होता है। क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा गया है, रतवा ट्राइब जो है आर मेनली फ्रॉम विच स्टेट। जो राडवा जनजाति है वो किस प्रदेश से थी, गुजरात, सिक्किम, उत्तर प्रदेश या फिर बंगाल से। तो वो थी गुजरात से थी, ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ द आर्ट ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। इनमें से कौन सा गुप्ताकालीन पुरास्थल नहीं है, राजघाट, मथुरा, सारनाथ या फिर मिर्जापुर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा मिर्जापुर, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। वॉट इज द वाहन ऑफ कार्तिकेय। कार्तिकेय का जो वाहन था वो क्या था, पिकॉक, बुल, काओ या फिर एलिफेंट। तो आप सबको पता है उनका जो था पिकॉक था, तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का यहाँ करेक्ट होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वर्शिप एज यास्किन जैन पैंथोगोन। इनमें से कौन सा जैन देव कुल में यक्षी के स्वरूप में पूजा जाता था, अंबिका, श्रुति देवी, तारा या फिर पंडस्वरी। तो आपका 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अंबिका। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट इज नॉट इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज। तो आज अगर हम देखेंगे इनमें से कौन सा वो है जो विश्व विरासत में सम्मिलित नहीं है, तो आपके पास ये ऑप्शन दे रखा है, कोलुदेवा का नेशनल पार्क, सुंदरवन का नेशनल पार्क, घाट ऑफ वाराणसी या मुगल आर्किटेक्चर जो फतेहपुर सिकरी में है। तो 75 का राइट आंसर होता है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, जो वाराणसी का जो घाट है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट कार्व्ड ऑन द सारनाथ पिलर कैपिटल। तो सारनाथ स्तंभ सीट्स पे इनमें से कौन सा पशु का अंकलन हमें नहीं देखने को मिलता है, हम्बुल, डियर, एलिफेंट या फिर हॉर्स। तो राइट आंसर आपका हम्बुल होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा गया है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पा साइट हैज बीन फाउंड अ पोएट्री डिपिक्टेड द फॉक टेल ऑफ द थर्स्टी क्रो। इनमें से किस हरप्पे पुरस्थल के मीण भांड पे प्यासे कौवे संबंधी लोक कथा का अंकलन मिलता है, सुकुटोडा, लोथल, धोलवीरा या फिर कालीबंगा में। राइट आंसर होगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, लोथल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ध्यानी बुद्धा इन बोधेला पैंथन। तो बौद्ध देव कुल में से इनमें से कौन ध्यानी बौद्ध जो है वो कौन नहीं है, पद्मपाणी, अमोघ सिद्धि, रतन संभव या असोमय। तो 78 आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। आइनी अकबरी ने इसमें से कौन सी बुक लिखी है, फैजी, बीरबल, खाफी खान या अबुल फैजल।
तो आयनी अकबरी का अगर लेखक आप सबको जानते हैं वो अबुल फैजल थे। राइट की ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80 है, हु इज द फेमस आर्टिस्ट ऑफ बंगाल स्कूल। तो बंगाल शैली का प्रसिद्ध चित्रकार जो है वो कौन है? तो आपके ऑप्शन थे राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, अवींद्रनाथ टैगोर या फिर सतीश गुजराल। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, अवींद्रनाथ टैगोर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। इसमें से कौन है जो सिलेब डायनेस्टी से बिलोंग करता है? इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी या फिर अलाउद्दीन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है इल्तुतमिश है, जो कि सिलेब डायनेस्टी से क्या करता था, बिलोंग करता था। ठीक है, बात करेंगे फिरोज शाह ये तुगलक डायनेस्टी से, सिकंदर लोदी रोडी डायनेस्टी, अलाउद्दीन ये खिलजी डायनेस्टी से बिलोंग करता था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। 82 में पूछा गया सनफ्लावर इज अ फेमस पेंटिंग ऑफ। तो सनफ्लावर है वो किसका चित्र है? विंसेंट वैन गो, पिकासो, मिलेट या फिर रूबेंस। तो सनफ्लावर जो ये फेमस पेंटिंग थी किसकी? ऑप्शन नंबर ए विंगेट वॉनगैंग की। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा गया है विच प्लेस इज फेमस फॉर द वर्क ऑफ टेराकोटा क्ले मास्क। मिट्टी के मास्क के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? चित्रकूट, वाराणसी, मालदा या फिर सीतामढ़ी। तो 83 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मालदा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84 में आपसे फिर बुक्स एंड ऑथर के क्वेश्चन पूछा गया, तुलसीदास ने इनमें से कौन सी बुक नहीं लिखी है? कवितावली, रामायण, दोहावली या फिर विनय पत्रिका। तो उन्होंने कौन सी बुक नहीं लिखी है? रामायण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। अपर्णा इज द नेम ऑफ, अपर्णा जो नाम था किसका? पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती या फिर अप्सराओं का। तो इसका राइट आंसर है पार्वती का, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। इन विच प्लेस इज द हिंडोला महल लोकेटेड। जो हिंडोला का महल है वो कौन से स्थान पर स्थित था? बिदार, नई दिल्ली, मांडू या फिर आगरा में। तो वो था स्थित मांडू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। मोती मस्जिद जो आप लोगों ने देखा है न्यू दिल्ली में, उसको किसने बनवाया था? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर बहादुर शाह ने। तो वो बनवाया था औरंगजेब ने, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। हु वॉज विचार श्रमण। तो विचार श्रमण जो थे वो कौन थे? फिलोसोफर थे, आर्टिस्ट थे, राइटर थे या फिर वो डिवोटी थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वो एक फिलोसोफर दार्शनिक थे। तो ए ऑप्शन होता है करेक्ट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा गया है फेमस स्क्रिप्चर ऑफ वीनस दे मेलो इज डिस्प्ले इन विच म्यूजियम। वीनस दे मेलो जो है बहुचर्चित मूर्ति जो कि संग्रहालय में प्रदर्शित है? लूव, वेटोकिन, एथेनेस या फिर फ्लोरेंस। तो 89 का राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ बढ़ेंगे। हु वॉज हरकुलेनियम ड्यूरिंग रोमन पीरियड। तो रोमन काला के दौरान जो है हिरोनियम क्या था? टाउन, टेम्पल, लेक या फिर माउंटेन। तो राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, वो एक शहर था। यहां तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे 91 क्वेश्चन की तरफ। हु हैड बिल्ट द नटराज टेम्पल ऑफ चिंदवरम। तो चिंदवरम में जो नटराज का मंदिर था वो किसने बनवाया था? राजाराज फर्स्ट ने, राजेंद्र फर्स्ट ने, कुलुटोंग फर्स्ट ने या कुलुटोंग सेकंड ने। तो 91 का राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, कुलुटोंग द्वितीय ने बनवाया था। 92 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा गया था पूरा कट केव आर डेडिक्टेड टू शिवा ओनली। तो कौन सी शैलीकृत गुफा है मात्र जो शिव को समर्पित करती है? एलोरा की, एलिफेंटा की, खनहेरी की या फिर खंडगिरी की। तो 92 का राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी एलिफेंटा की। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 93 में बोल रहा है विच टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक पगोडा। तो कौन सा मंदिर ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता था? आपके ऑप्शन दे रखे हैं सो टेम्पल, सन टेम्पल, गंगाई टेम्पल या फिर लिंगराज टेम्पल। तो 93 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, सन टेम्पल, जो कि कोणार्क में है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94 में बोल रहा है गरोदा इज अ फोक आर्ट ऑफ जगह है। कहाँ का ये फोक आर्ट है? बिहार, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु या फिर गुजरात में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, गुजरात में। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा गया है वेयर इज हरिहर टेम्पल। हरिहर टेम्पल जो है वो कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर, मथुरा, कांचीपुरम या फिर ओडिशा में। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ओडिशा में, सॉरी ओशियन में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर
96 की तरफ। 96 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जरदोजी इज अ फेमस वर्क ऑफ जरदोजी, कहाँ का प्रसिद्ध कार्य था, कोलकाता, पुणे, चेन्नई या वाराणसी का। तो वो फेमस था आप लोगों के वाराणसी का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। 97 में पूछा गया है, मोहिनीअट्टम इज अ फेमस डांस फॉर्म किस स्टेट का था, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान। तो राइट आंसर आपका केरल का ये फेमस डांस था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98 में पूछा गया, हु अमंग द फॉलोइंग इज द गॉड ऑफ ओशन, तो किसे समुद्र के देवता कहा जाता है, पासिडोन, ज्यूस, हर्मिस या फिर अपोलो को। तो 98 का राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। 99 में पूछा गया, रजनामा जो है किस ग्रंथ का अनुवाद है, योग वशिष्ठ, पंचतंत्र, महाभारत या फिर रामायण का। तो वो है आपके महाभारत का अनुवाद है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कहाँ पर हुई थी, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, मथुरा या फिर कुंदलवन में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुंदलवन में गौतम बुद्ध की जो फोर्थ काउंसिल हुई थी वहां पर है। बौद्धिज्म से रिलेटेड भी टॉपिक मैंने पढ़ा रखा है, आपने वो नया देखी हो वहाँ पे कर लो, सारी काउंसिल के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो प्लेलिस्ट एंशियंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेकआउट करोगे वहाँ मिल जाएगी। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 101 की तरफ। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट सावंत सिंह द किंग ऑफ किशनगढ़, तो किशनगढ़ में जो राजा सावंत सिंह के विषय में, इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, क्या वो एक गुड आर्टिस्ट थे, क्या वो पोएट भी थे, क्या वो भारती थानी वॉज इज क्वीन वहाँ की थी या ही हैड अ बिकेम सन। तो 101 पर जो गलत बात बोली गई है, बानी थानी वहाँ की क्वीन थी, ये बात गलत है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ। 102 में पूछा गया, एथेन वॉज अ गॉडेस ऑफ, एथेना जो है वो किसकी देवी थी, युद्ध की, प्रेम की, शिकारी की या फिर विजय की। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वॉर यानी कि युद्ध की। 103 की तरफ, क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, इसमें से कौन सी बात है जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में गलत बोली गई है, दे वॉट अ ग्रूस स्क्रिप्चर, दे न्यू हाउ टू बेक द ब्रेक, दे मेड ब्रोंज स्क्रिप्चर, दे यूज टू राइड द हॉर्सेज फॉर लॉन्ग जर्नी। या तो आपको साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी गलत है 103 का, क्यों, क्योंकि हॉर्स के बारे में वहाँ कोई बात ही नहीं हुई थी, हॉर्स की चीज़ें हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन में देखने ही क्यों नहीं मिली, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होता है आपका गलत। बढ़ेंगे 104 की तरफ। रेड फीका स्टाइल जो है, लाल आकृति शैली जो है वो किससे संबंधित है, ग्रीस, रोम, फ्रांस या फिर भारत से। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीस से संबंधित यानी कि यूनान से संबंधित है। 105 में पूछा गया है, व्हाट, हु इज नॉट अ बारोको आर्टिस्ट, इसमें से कौन जो था जो बारोको आर्टिस्ट नहीं था, रूबेंस, कराबैग्यो, वेलेज क्यूज या फिर ड्यूसियो। तो 105 का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ड्यूसियो। आगे बढ़ेंगे 106 की तरफ। यहाँ पे पूछा गया है, अटाला मस्जिद जो है वो कहाँ पर स्थित है, जौनपुर में, लखनऊ में, अजमेर में या फिर मंडू में। तो 106 का राइट आंसर आपका होता है ऑप्शन नंबर ए, वो जौनपुर में स्थित है। आगे बढ़ेंगे 107 की तरफ। वीरासेना जो है वो कंपेनिस चंद्रगुप्त सेकेंड इन हिज मिलिट्री एक्सपेंडिशन एग्जीक्यूटेड अ कैंप इन ऑनर ऑफ शिवा, चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ सैनिक अभियान में शामिल वीरसेन ने कहाँ शिव के सम्मान में गुफा मंदिर बनवाया था, ईरान में, कौसाम्बी, सांची या फिर उदयगिरी में। तो वो उन्होंने बनाया था उदयगिरी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होता है। बढ़ेंगे अपने 108 क्वेश्चन की तरफ। बोल्ड आउट लाइन इज अ मेजर फीचर ऑफ, जो मेन फीचर है गहरी वाक्य रेखा की, वो किसकी विशेषता है, पहाड़ी स्टाइल, पटना कालम, कालीघाट स्टाइल की या फिर नाथ द्वारा पेंटिंग की। तो 108 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कालीघाट शैली की। आगे बढ़ेंगे 109 की तरफ। इंडियन आर्ट जो है ये किसने लिखा था, भारतीय कला जो है ये बुक किसने लिखी थी, वासुदेव शरण अग्रवाल ने, पर्सी ब्राउन ने, कृष्णदेव ने या फिर नंद लाल बसु ने। तो 109 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वासुदेव शरण अग्रवाल ने ये बुक लिखी थी इंडियन आर्ट के ऊपर। 110 है, चार मीनार जो है वो कहाँ पर हमें देखने को मिलता है, हैदराबाद, अहमदनगर, बिदार या फिर बीजापुर। तो ये सबसे सिंपल हमें पता है, हैदराबाद में हमें चार मीनार देखने को मिलता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 111 की तरफ। यहाँ पे बोला सलार जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, सरालगढ़ जंग का जो म्यूजियम है वो कहाँ पर स्थित है, वाराणसी, न्यू दिल्ली, हैदराबाद या फिर चेन्नई में। तो ये हमें देखा जाएगा हैदराबाद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट। 112 की तरफ बढ़ेंगे। 112 में अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा है वो कहाँ पर है, अजमेर, बिदार, मंडू या फिर जैसलमेर में। तो 112 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अजमेर में ये स्थित है। बढ़ेंगे 113 की तरफ। 113 में पूछा गया है, जो असुर नासिर पाल द्वितीय है वो कहाँ का राजा था, बेबीलोन, असीरिया, इजिप्ट या फिर सुमेर का। तो वो था आप लोगों का असीरिया के राजा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है। 114 में पूछा गया था,
हु बिल्ट स्टेप पिरामिड एट फर्स्ट, सबसे पहले जो सीढ़ीदार स्टेप था पिरामिड किसने बनवाया था, जोसेर ने, अखनाथन ने, तूतन खामन ने या फिर हतेशसुत ने। तो 114 का ऑप्शन नंबर 1 है, जोसेर ने बनवाया था। आगे बढ़ेंगे 115 की तरफ। हु हैज मांडुको, जो मानकू है वो कौन था, पेंटर, आर्किटेक्ट, राइटर या फिर पोएट। तो वो एक था आपका पेंटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है। बढ़ेंगे 116 की तरफ। 116 में पूछा गया, जो मगध का रूलर बिंबिसार है वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता था, मौर्यन डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी या फिर हरियंग डायनेस्टी। तो वो बिलोंग करता था मौर्यन डायनेस्टी, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है। 117 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, हाईली डेकोरेटेड स्क्रिप्चर जो है ये कहाँ पर हमें शिल्प देखने को मिलता है, चोलम में, गहरवेल में, पल्लव में या फिर होयासल में। तो वो हमें देखने को मिलता है होयासल, यानी कि होयसल, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है। 118 क्वेश्चन में पूछा गया था, विच गॉड इज सोन वियरिंग बूट्स, कौन से देवा उपनहा पहनने के लिए दिखाए जाते हैं, सन, शिव, विष्णु या फिर कुबेर। तो 118 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सन। आगे बढ़ेंगे 119 की तरफ। बस अब दो क्वेश्चन और है। विच इज ऑड वन अमंग दी फॉलोइंग, इसमें से जो सबसे अलग है उसको आपको बाहर निकालना है, दुर्गा, लक्ष्मी, वागेश्वरी या फिर मुग्धा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, मुग्धा जो है ये बाहर होता है और सबसे इन तीनों से हटके है। नाउ ये होगा आज का लास्ट क्वेश्चन। जैन स्तूप इज फाउंडेड, जो जैन का स्तूपा है वो कहाँ पे प्राप्त हुआ है, श्रवण बेलगोला में, उदयगिरी, खंडगिरी में, मथुरा से या फिर राजगृह से। तो इसका राइट आंसर होता है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, मथुरा में। ठीक है, तो अब हमने ये पूरे 120 क्वेश्चन कर लिए हैं और ये आपका 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, जो भी एमए हिस्ट्री ऑफ आर्ट से बीएचयू से कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो मैंने आपको सारे क्वेश्चन के आंसर करवा दिए, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ऐसे ही और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के लिए मेरे चैनल पे बने रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी चैनल पर आए उसके पास नोटिफिकेशन आपके पास आए। अभी तक मेरी वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया, लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो, जितनी ज़्यादा मेरे वीडियोज़ पर लाइक्स होंगे, व्यूज़ होंगे, उतनी जल्दी आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगी। अगर व्यूज़ ही कम आएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा ना मुझे क्वेश्चन पेपर कराने की। तो आशा करती हूँ आपके लिए क्वेश्चन पेपर हेल्पफुल रहा होगा। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के लिए चैनल पर बने रहिएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी के क्वेश्चन अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।